तो यार हम लोग क्या होता है ना, गो विद द फ्लो रहते हैं, मतलब हम लोग इनिशिएट ही नहीं करते, हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते जब तक हमें कोई ये बात रियलाइज ना करा दे कि भाई अगर नवंबर 24 अटेम्प्ट में हमें श्योरिटी से हमारी एग्जाम्स पास करना है तो आज भिड़ के मेहनत करने का समय आ चुका है। आप लोग वेट क्यों कर रहे हो? ये वीडियो स्पेसिफिकली आपको गाइड करेगा कि नवंबर 24 एग्जाम अगर आपका है तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और उसके पहले आपका एम क्या होना चाहिए एग्जाम के लिए। एम सेट करना भी तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग स्टार्ट ही कर दोगे शायद बिना कुछ सोचे कि मुझे उस एग्जाम से चाहिए क्या। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर सबसे पहले लेट मी टेल यू, इट इज़ रियली अ वेरी हाई टाइम टू गेट स्टार्टेड इफ यू वांट वन शॉट सक्सेस इन द अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 24। ऑलराइट, आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, सारी चीज़ इस वीडियो के दौरान डिस्कस कर ली जाएगी। सर सबसे पहले एक राइट एम सेट कर लो अपने लिए। स्पेसिफिकली उन लोगों से बात कर लेना चाहता हूँ जो लोग दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हैं नवंबर 24 एग्जाम में, कि सर अगर आपने अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड की है, पहली बात तो आपकी सारी क्लासेस आपने ली है, आपने अच्छे से अटेंड की है, आपने नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, तो फिर हम रैंक के लिए टारगेट करें ना यार। रैंक सिर्फ रैंडम पढ़ने से रैंक नहीं आएगी। अगर मैं आज आपको इस बात का रियलाइजेशन कराऊंगा कि आप रैंक ला सकते हो तो आप रैंक वाली मेहनत करोगे और रैंक ला कर दिखाओगे, राइट? तो जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन हु इज अपियरिंग बोथ द ग्रुप हु हैज वर्कड रियली हार्ड, हम रैंक के लिए ट्राई करेंगे, वन साइडेड ट्राई करेंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरी बात है उन लोगों से, सर जो लोग ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हम बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे, इसका भी डिसीजन बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी क्लासेस हो चुकी है, या फिर अगर आपको लगता है कि सर अराउंड 10th जुलाई तक, 5th टू 10th या वर्स्ट केस में 15th जुलाई तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, और आपको सिर्फ क्लासेस कंप्लीट नहीं करना है, जो भी आपने क्लासेस अटेंड की थी वो आराम से अच्छे से अटेंड की थी, समझ के अटेंड की थी, सिर्फ लेक्चर्स देखना ऑब्जेक्टिव नहीं था, उन लेक्चर्स में जो नोट्स बनवाए गए थे और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे हमने भी वो सॉल्व किए, इफ दैट इज द केस, इन शॉर्ट मतलब अगर आपको सिर्फ अब रिविजन करना रहेगा 10th जुलाई के बाद, देन 100% that much of time will be sufficient for you to revise for both the groups. मतलब हम लोग दोनों ग्रुप की साइड जा सकते हैं क्योंकि वही प्रेफर्ड है, ऑलराइट? लेकिन सर इमोशनल होके दोनों ग्रुप नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, क्योंकि सेफर ऑप्शन क्या है हमारे पास, सिंगल ग्रुप। तो कौन से सिचुएशन में सिंगल ग्रुप देना है? सर अभी इमेजिन करो कि आपने प्रॉपर तरीके से अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं, मतलब कितनी बार होता है ना हम सर पढ़ाई ही प्रॉपर अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम फास्ट ट्रैक लेक्चर्स खरीदना स्टार्ट करेंगे, पुराना सारा जोन आउट हो चुका है, पुरानी क्लासेस का कुछ याद नहीं, ना हमारे नोट्स के ठिकाने हैं, राइट? तो अगर आप पढ़ाई ही अब स्टार्ट कर रहे हो देन ऑब्वियसली अब हम क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे तो वन ग्रुप, या फिर सर क्लासेस ली थी लेकिन मिस हो गई थी, प्रॉपर तरीके से कुछ पढ़ाई हुई नहीं थी, करेक्ट? तो उस केस में हम एक ग्रुप की तैयारी करेंगे, या तो एक ग्रुप हमें देना प्रेफरेबल है। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो उस केस में, एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट पिक कर लो जिसमें हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे एग्जाम्पशन के लिए, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑलराइट? ठीक है सर, ये अगर आपका डिसीजन आ जाता है, प्रेफरेंस अपना दोनों ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपको पता है ना कि आपको दोनों ग्रुप देना है तो आप वैसी मेहनत करते हो, अदरवाइज आप एक ग्रुप के हिसाब से अकॉर्डिंगली लिमिटेड मेहनत करते हो। रिजल्ट के ऊपर भी आपका डिसीजन डिपेंड करेगा, राइट? लेकिन वो डिस्कशन मैं आपके साथ अभी करूंगा इस वीडियो में, बट प्राइमरीली अगर आपके पास इस तरीके से कुछ चॉइस है तो आप इस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हो। आपकी डेडलाइन माइंड में रखना कि 10th जुलाई के पहले पहले अपने को सारी अपनी पेंडिंग चीजें कंप्लीट करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग चीज़, आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बोथ ग्रुप हो, आप सिंगल ग्रुप हो, सर एक चीज़ माइंड में बैठा लो कि अपने को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 60 का टारगेट नहीं करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ MCQs नाउ हम लोग 80+ टारगेट करेंगे, क्योंकि 80+ लाना पॉसिबल है, वैसी मेहनत करेंगे तो 100%, वैसी स्ट्रैटेजी रखेंगे तो 100% 80+ आएंगे, राइट? और 80+ नहीं भी आया तो वर्स्ट केस में हमारा क्या आएगा, एग्जाम्पशन, जो एक्सट्रीमली नीडेड है अगर हम एक ग्रुप या फिर पूरा दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करना चाहते हैं या फिर रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ग्रुप वन की बात करूं तो स्पेशली FR और AFM सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम्पशन ईजिली ला सकते हो, मेहनत करेंगे तो 100% एग्जाम्पशन आएगी, ऑलराइट? अब ये टारगेट माइंड में होगा ना तो ही हम वैसी मेहनत करेंगे। आप 2 मिनट इस वीडियो को रोक दो,
राइट लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक तो कर ही दो, बट दो मिनट रोक के एक मिनट खुद को एनालाइज भी कर लो साथ में कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब ये अगर अपना एम सेट हो गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वन शॉट अगर इस एम को हमें अचीव करना है तो आज से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हमें सही तरीके से करना होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सर हमारी पेंडिंग क्लासेस कंप्लीट करना, क्योंकि जब एग्जाम पास में आती है ना तो वही 3 घंटे का लेक्चर हमें जितना नॉलेज देता है ना उससे ज़्यादा वो स्ट्रेस देता है। क्लासेस कंप्लीट ही नहीं होती, कंटेंट कंप्लीट ही नहीं होता, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार, बस जल्दी से कैसे भी देखो। तो ये जो हेडेक है ना इसको कंप्लीट करो, मैंने आपको डेडलाइन दी है। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाह रहे हो तो जो भी 10 जुलाई तक आपकी पेंडिंग क्लासेस है वो कंप्लीट करो। सर अगर आप सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो, मतलब समझो आप दोनों केस बताता हूँ, दोनों ग्रुप कर रहे हो अपियर, तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स वैसे हैं जो एक ग्रुप अपियर करके बैठे और उनका एक ग्रुप पेंडिंग है, राइट? तो भाई मेरी बात समझो, अपन रिजल्ट का वेट नहीं करना है। जो ग्रुप अपियर हो चुका है उसका एक सेंस तो आ रहा होगा, राइट? और अगर सेंस नहीं आ रहा है तो दूसरे ग्रुप की पढ़ाई इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। उससे क्या फायदा होगा कि यार रिजल्ट जब तक आएगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव आया तो शायद हम इसकेपेबल होंगे कि हम दोनों ग्रुप अपियर कर पाए। इसकेपेबल नहीं भी हुए, रिजल्ट नेगेटिव आया, तो एटलीस्ट उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जम्पशन टारगेट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट की आप अभी से क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो वेट किसी चीज़ का नहीं करना है, वो वन साइडेड मेहनत करने का टाइम आज आ चुका है। रिजल्ट तक का वेट करोगे तो सब कुछ लेट हो जाएगा, आपका SPOM वगैरह जो भी चल रहा है उसको एकदम अर्जेंट बेसिस पे वन साइडेड एफर्ट्स लगा के कंप्लीट करो, राइट? जितना भी आपको वीक या फिर आवर्स देना है, जितने दिन देना है उसको देकर कंप्लीट करो और इमीडिएटली अपनी मेन चीज़ पर फोकस स्टार्ट करो। उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, वो चीज़ अपने लिए एक एक्स्ट्रा, मतलब वो एक प्रोसेस है, वहाँ से निकलना है जल्दी अपने को, ताकि अपन अपनी एग्जाम्स पर फोकस कर पाए। ऑलराइट, अब वो लोग हैं सर जो एक ग्रुप ही देने का प्लान कर रहे हैं, राइट? जिनकी 1 से 2 क्लासेस बची, आपको तो मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। अपन तो सिचुएशन पे खड़े हैं भाई कि जितनी जल्दी अपन क्लासेस लेकर अपनी काम स्टार्ट कर दें और उन क्लासेस को कंप्लीट करके फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, अपने से ज़्यादा इस चीज़ की नीड किसी को है ही नहीं, क्योंकि अपना तो अभी शायद सिग्निफिकेंट चीज़ पेंडिंग होगी, इसीलिए आप एक ग्रुप का डिसीजन ले रहे हो। जो लोग थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में, वो एक ग्रुप के साथ साथ एक एग्जम्पशन ज़रूर टारगेट करें। इसका इंपॉर्टेंस अब बता देता हूँ। समझो आपने एक ग्रुप और एक सब्जेक्ट पिक किया तो आपके एफर्ट्स अकॉर्डिंगली लगते हैं, मतलब आज आप उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की या तो क्लासेस कंप्लीट कर लोगे या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अगर इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में समझो वो सब्जेक्ट, देखो एग्जम्पशन आ गई तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, सैल्यूट है आपको, नहीं आ पाई तो इमेजिन करो अगर ये एक ग्रुप जो अपन ने इस अटेम्प्ट में देंगे अगर वो पास हो गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में लाइफ कितनी ईजी। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना हो तो उसकी क्लासेस लेंगे, नहीं करना है तो क्विक रिवीजन करेंगे ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में श्योरिटी से CA बन जाए। समझो इस अटेम्प्ट में November 24 में अपना वो ग्रुप पास नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपन दोनों ग्रुप देने का सोच सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के साथ साथ इस बार हमने एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट किया है। इन ईदर केस सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको 4th सब्जेक्ट अपने को ऐड करना ही है और उसमें एग्जम्पशन टारगेट करना है। ये क्लियर मैसेज है सभी को जो लोग सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर अपना ऑब्जेक्टिव अपनी सारी पेंडिंग क्लासेस कंप्लीट करना। मेरी साइड से क्लासेस के क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको चलो अभी बता देता हूँ, राइट? AFM में November 24 अगर आपका अटेम्प्ट है ना तो प्राइमरीली आपको फास्टर ही जाना चाहिए, प्राइमरीली नहीं, रिमूव द वर्ड प्राइमरीली, आपको फास्टर बैच ही लेना चाहिए, क्योंकि फास्टर बैच एक्चुअल में इतनी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है और इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पे इतना गजब का फोकस है कि आपको अपनी रेगुलर बैचेस से ज़्यादा नॉलेज उसमें मिलेगा, क्योंकि नोट्स ऑब्वियसली जो रेगुलर के हैं वही फास्टर के हैं। इसके अलावा और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है विच इज़ इन इंग्लिश। अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो प्योर इंग्लिश बैच भी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, वो लाइव बैच है November 24 के लिए। कूल, पेंडिंग टॉपिक्स। कितनी बार सिनेरियो बनता है कि सर मेरी क्लासेस पर्टिकुलरली कोई पेंडिंग नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। हाँ, ये जनरिक AFM के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है? पेंडिंग, और पता है क्या, ऊपर वाली बात को लेकर एक चीज ध्यान रख लो, आप किसी भी सब्जेक्ट का लो बट फास्टर लेना, आप रेगुलर में मत उलझना कोई कितना भी ज्ञान दे दे, क्योंकि पता है आप एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लोगे लेकिन उसके लिए उसकी कॉस्ट है, जो दूसरी चीज़ उसकी कॉस्ट है कि दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। पेंडिंग टॉपिक्स, यार मेरे साथ बहुत होता था, मेरी कॉलेज की एग्जाम्स आ जाती थी, मैं आउट स्टेशन ऑडिट पे चला जाता था, मैं अपने होम टाउन चला जाता था तो मेरे बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते थे।
तो अपना अभी वापस जो लोग बोध ग्रुप प्लान कर रहे हैं स्पेशली उनको ये मैसेज है, अपना डेडलाइन जो भी है उसके पहले अपने सारे पेंडिंग टॉपिक्स किसी भी तरीके से कंप्लीट करो। अब आपको उसके लिए आपके पुराने व्यूज बचे हैं तो वो कंप्लीट करो, राइट। अगर आपको अपनी रेस्पेक्टिव फैकल्टी के यूट्यूब लेक्चर्स देखना है तो वो कंप्लीट करो, या फिर AFM के लिए पर्टिकुलरली मैं बता देता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर बैच, जो बहुत कम ड्यूरेशन में आई थिंक 70-80 आवर्स में बहुत डिटेल्ड मैनर में अगेन आपको चीज़ें अच्छे से समझा देती है। तो पेंडिंग टॉपिक्स के लिए ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट सोचेगा फास्टर कैसे लूँ, लेकिन उसको यूट्यूब सफिशियंट नहीं लगता क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा है, उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव पावर बैच है जो आपके लिए अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर दी तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने साथ क्या क्या चीज़ें सही होना चाहिए उस श्योरिटी से अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक सही मटेरियल। अगर आपने क्लासेस सोच समझ के ली थी और अगर आपको अपनी फैकल्टी पे आज भी ट्रस्ट है, राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मटेरियल अननेसेसरीली चेंज ना करें, है ना। अननेसेसरी टेलीग्राम चैनल्स के फ्लो में आकर आप कोई मटेरियल चेंज ना करें, प्रोवाइडेड आपको एक सेंस है, आपके अपने फ्रेंड से सुन रखा है कि हाँ यार ये मटेरियल सेंसिबल है, आपका ट्राइड ट्रस्टेड है, राइट। मटेरियल करेक्ट होना पता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत मटेरियल पर अगर आपने अपनी जान भी लगा दी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपना 110 भी दे दिया ना, सब कुछ दे दिया ना, आप इमेजिन कर सकते हो ना खुद को सब कुछ देते हुए, पर गलत मटेरियल पे सब कुछ दे दिया तो एग्जाम वाले दिन कैसा बुरा लगेगा कि भाई सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्यों रहेगी। गलत मटेरियल पे सब कुछ भी दे दोगे तो आंसर रिजल्ट कैसे निकल के आएगा। ऑलराइट, आज एफर्ट्स लगा देना, दो दिन ज़्यादा चला जाएगा चलेगा, बट एक सही मटेरियल चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरी साइड से जो मटेरियल आपको अवेलेबल है फॉर रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ आउट नोट्स, जो फ्रीली सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, और सिमिलरली फॉर क्वेश्चन बैंक, अगेन उसका PDF फ्रीली सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, विच इज़ आउट स्कैनर, जो सेम बुक है जो सारे रेगुलर फास्टर पावर स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसमें सारे रेलेवेंट RTP MTP वाले क्वेश्चंस अवेलेबल है। मैं जल्दी उसका November 24 वाला वर्जन YouTube पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि किसी स्टूडेंट का प्रिपरेशन उससे इंपैक्ट ना हो। सिमिलरली ऊपर में मेंशन करना भूल गया, आपको YouTube पर डिटेल्ड रिविजन वीडियोज मिल जाएगी जिसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वन साइडेड दी है। ऑलराइट, ठीक है, मटेरियल चेंज नहीं करना है जब तक पॉसिबल हो सके और ये एग्जाम तक है, क्योंकि आप सेम मटेरियल को जब बार बार देखते हो ना, उससे अपने माइंड में पिक्टोरियल इमेज क्रिएट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकलेक्शन इन द एग्जाम, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है सर, अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हो, आपको लग रहा है अभी तो बहुत टाइम है, जब रिजल्ट आएगा ना तब एकदम से हीट क्रिएट होगी मार्केट में। भाई अपन उस टाइम का वेट थोड़ी ना करते हैं, अपन तो इमोशनली स्टेबल लोग हैं, अपन आज से ही वैसी मेहनत करेंगे कि एग्जाम दिन तक वो मेहनत कंटिन्यू कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, अपने को डिले नहीं करना है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन उतने सेटल्ड और खुशी से रहेंगे। सर, हार्डवर्क का, डिसिप्लिन का CA में कोई सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको पता है, जितना आपके इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट का रोल नहीं है ना CA में, उतना आपके कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्डवर्क का रोल है, और हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के लिए कोई स्किल नहीं लगती है, ये माइंडसेट की बात है। आप में दिमाग कम या ज़्यादा हो सकता है, वो भगवान की देन है, लेकिन आप में हार्डवर्क कम है ये हमारी प्रॉब्लम है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। हमारी डिटर्मिनेशन में कमी है, हमारा प्रॉब्लम है, तो किस्मत अच्छी है CA में उन चीज़ों के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो हमारे हाथ में है। तो आज से वो वन साइडेड अगर मेहनत होगी ना, ये मैंने लिखा है ना, वन शॉट सक्सेस मिलेगी, ये सिर्फ टाइम पास वीडियो बनाने से नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली वो मेहनत आपको करनी है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ कि आज वो टाइम आ गया है जब से अगर आपने अपने नेचर में, शेड्यूल में हार्डवर्क अगर आपने डाल दिया ना, इंटीग्रेट कर दिया, तो रिजल्ट आपको मिलेंगे और वन साइडेड मिलेंगे। और उस रिजल्ट की ज़रूरत सिर्फ आपको नहीं है, आपके आसपास आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप CA बनेंगे। ठीक है, तो आज ही से खुशी खुशी उसके लिए एफर्ट्स लगाएं ना, क्योंकि उन लोगों ने भी तो अपने लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारे लिए भी आज टाइम आया है ना वो करने के लिए, जब हम उनके लिए वो हार्डवर्क करके रिजल्ट में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात बता दूँ, ये प्रेशर नहीं है, पढ़ाई करना कभी प्रेशर नहीं है, तो हमने चूज़ किया है, तो जो चीज़ आप चूज़ कर रहे हो उसको प्रेशर क्यों मान रहे हो यार, ये तो हैप्पीली चूज़ किया है ना, तो एंड तक प्रेशर में मत कन्वर्ट होने देना कि और इतना करना कैसे करूँ, मुझसे हो नहीं रहा, भाई चूज़ किया है अपन ने। बस वो जब प्रेशर ज़्यादा आता है ना तो भूल जाते हैं कि यार ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो चॉइस थी, मैं आगे रह के गया था वहाँ पे।
तो खुशी खुशी उसको एंड तक करेंगे ना, तो रिजल्ट्स में अलग ही मजे आएंगे। ठीक है सर, अपने को एक चीज ये करना है, राइट एफर्ट सिर्फ मेरे इस मोटिवेशन से नहीं मिलेंगे, उसके लिए अपने को एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब जब तक इंसान खुद का ट्रैक नहीं रखता है ना, तब तक क्या होता है, हर दिन निकलते जाता है। मैं भी उस सिचुएशन से गुजरा हूँ जहाँ पे हर दिन निकल रहा है ना, दिन भर में मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ रात में रिग्रेट है और कुछ भी नहीं है। अपने को उस ट्रैप में नहीं फंसना है, उसका एक ही तरीका है, कीप अ ट्रैक ऑफ योरसेल्फ। मतलब एक टाइम ड्रिवन, मतलब डेट स्पेसिफिक शेड्यूल बना लो कि यहाँ से यहाँ तक मैं ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा या फिर ये एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा। एक दिन में जनरली दो प्रेफरेबल होते हैं, तीन भी आइडियल नहीं है, और एक अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं को पर्सनली एक जमता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी, आई एम वीक इन स्विचिंग थिंग्स, बट जनरली कुछ लोगों को दो जम जाते हैं। ऑलराइट, तो डेट स्पेसिफिक शेड्यूल बनना चाहिए, और उस शेड्यूल में सर आपकी टेस्ट सीरीज का भी इन्वॉल्वमेंट रखना। मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, राइट, जिसमें आपको इवैल्यूएशन करके दिया जाएगा स्टेप वाइज मार्किंग के साथ, जिसका पेपर मैंने पर्सनली खुद सेट किया है। ऑलराइट सर, आप अपना जो शेड्यूल बनाओगे ना, उसमें आप एक तो अपने नंबर ऑफ रिविजन्स भी प्लान कर लेना। आज ही एग्जाम तक का शेड्यूल होना चाहिए भाई, कि इस दिन तक सारी क्लासेस कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट रिविजन, यहाँ से यहाँ तक सारे सब्जेक्ट का सेकंड रिविजन, यहाँ से यहाँ तक टेस्ट सीरीज भी देंगे, उसमें बोनस डेज भी होंगे। डेट स्पेसिफिक प्लान नहीं है ना, तो पढ़ाई स्टार्ट मत करना, अपन टाइम पास कर रहे हैं। अपने को डेडलाइन होनी चाहिए कि हाँ यार इतने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली अपना बैक कैलकुलेशन चलेगा। क्योंकि आप लोग तो लकी हो, छह सब्जेक्ट्स बहुत आसान है, जिसमें सिक्स सब्जेक्ट तो याद भी नहीं करना है, एज इन मेमोराइजेशन का लोड नहीं है, दिमाग लगाना है। हमें आठ सब्जेक्ट्स याद करके जाने होते थे, फर्क है, करेक्ट? तो डूएबल है, वो एफर्ट्स लगाइए, डेट स्पेसिफिक शेड्यूल बनेगा तो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ये सब करने के बाद भी अगर हमारा अप्रोच गलत है तो भी रिजल्ट नहीं बनेंगे। मतलब ये वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कॉम्प्रहेंसिव बना दूँ, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, दिन के 12 घंटे आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर अप्रोच गलत है तो वो 12 वेस्ट है, और सही कर दोगे तो वो 12 50 आवर्स के बराबर हो सकता है। सुनो मेरी बात, मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग के इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से अपना अप्रोच चेंज कर रहा है, जिस हिसाब से पेपर डिजाइन कर रहा है, पर्टिकुलरली AFM के लिए, तो मैं बोल के दे सकता हूँ कि सर हमें ब्लाइंडली क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। वैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए नई बात है भी नहीं, हमारी तो लड़ाई ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है। हम तो सर क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दे कि अच्छा ये देखो यहाँ पर्टिकुलरली ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा और वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा। हमें किसी भी हाल में क्वेश्चंस के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना है, हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, अदरवाइज क्या होता। वो एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना तो मैं बताऊं क्या होगा, आप इवॉल्व ही नहीं होंगे। आप बस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, आप कोई भी नया MCQ और कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के कैपेबल नहीं होंगे, जो हमें नहीं करना है। ये पर्टिकुलरली मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं लिया, क्योंकि जिन्होंने क्लास लिया उनके तो ब्लड में वो बैठ चुका है, ये मैं श्योर हूं। क्लियर? अपने को क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना है, ना कि क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन बाय प्रोडक्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, बट वो अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन करने के बाद उस पे 2 मिनट का समय देके सोचना कि इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से क्या अलग था, उस क्वेश्चन में आपने पर्टिकुलरली क्या सीखा, इस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ताकि वो पर्टिकुलर चीज अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आई शुड बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्लियर? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर, कंटेंट को हैंडल करना। कितनी भी क्लैरिटी से पढ़ लो, अगर हमने कंटेंट को हैंडल नहीं किया तो एंड में हमारे हाथ से सब छूटता हुआ दिखेगा, और जिस दिन वो फीलिंग आ गई ना, हमारा कॉन्फिडेंस जीरो पे आ जाएगा। वैसा नहीं हो उसके लिए मेहनत आज 0 पॉइंट से हम कर सकते हैं। और यही वीडियो आप इमेजिन करो, आज से एग्जाम के 1 महीने पहले अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। जो मैं एडवाइस देने चाह रहा हूं वो सिर्फ आज एग्जीक्यूट हो सकती है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए है ना। एग्जाम के 1 महीने पहले कुछ नहीं कर सकते, और इंपॉर्टेंस क्या है ध्यान से सुनो। आज जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप सारी चीजें पढ़ेंगे, राइट? आप चीजें लिखेंगे भी, और जो बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की उसको डायरेक्टली कैलसी पे भी करेंगे। सिर्फ रीडिंग तो करना ही नहीं है, AFM या फिर किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर आपने ऑडिट स्टार्ट किया कि बुक में दिख रहा है हाँ सर ऐसा होगा, प्लीज ब्लंडर मत करो यार, आप झूठ बोल रहे हो खुद से और अपने वालों से भी। आपको क्या करना है, या तो आपको नोटबुक पे सॉल्व करना है, जो करना ही है बहुत सारे क्वेश्चन में, लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है भाई,
कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, एग्जाम में हाथ ही नहीं चलेंगे कॉन्फिडेंस से अगर घर पे नहीं लिखा तो। तो या तो अपने को लिखना है और जो रिपीटेटिव नेचर के हैं उनको कैलसी पे करना है, बट हमें किसी भी हाल में आज फर्स्ट टाइम में इस तरीके से सारी चीज़ें कवर करना है। फर्स्ट टाइम करते टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो आपसे ऑब्वियस मैनर में बन गए, या फिर कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो ट्रिकी है, जिसमें आपने मिस्टेक की, जिसके हिडन एडजस्टमेंट आप समझ नहीं पाए, जिसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है, या फिर जो एम्बिगुअस है, वो सारे क्वेश्चन जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको आप मार्क कर लो। क्योंकि जो क्वेश्चन आज सही नहीं उनको एक और बार तो करना ही पड़ेगा तो ही सही होंगे ना, मतलब नेक्स्ट टाइम। अभी अपन ने नैरो डाउन कर दिया अपना स्कोप, उन नैरो डाउन क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम हम लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद या फिर बेसिक सम रिवाइज करने के बाद फिर से अटेम्प्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तब हमें अटेम्प्ट हो पाएंगे क्योंकि उस टाइम वो हिडन एडजस्टमेंट ट्रिकी पार्ट्स याद आ जाएंगे। अगर याद आ जाते हैं मतलब आप लकी हैं, उस हिडन एडजस्टमेंट को मार्क कर दो। मार्क करने का मतलब हो गया फर्दर नेक्स्ट रिवीजन में पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ उस हिडन एडजस्टमेंट को देखेंगे, पूरा क्वेश्चन रिकलेक्ट हो जाएगा। टाइम सेविंग टेक्निक है, ना पूरा क्वेश्चन किया ना पूरा क्वेश्चन छोड़ा। और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है सेकेंड टाइम में भी, मतलब उसका फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है सर, उसमें एक हिडन एडजस्टमेंट जो फिर भूल गए, उसकी एम्बिग्विटी याद नहीं क्योंकि प्रोसेस मगअप करनी पड़ रही, उस क्वेश्चन को फिर मार्क रहने दो क्योंकि फर्दर नेक्स्ट और वो जो लास्ट रिवीजन होगा उस टाइम हमें उस क्वेश्चन को फिर से देखना ही पड़ेगा। मतलब आप थर्ड टाइम आते आते फर्दर नैरो डाउन हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से नैरोइंग डाउन करेंगे ना, तो वो जो आप लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एलडीआर पूछते वो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके हिसाब से आपका कवरेज 100% चल रहा है। जो ईजी था वो डे वन कर दिया, अब उसको क्या जरूरत है, और जो डिफिकल्ट है उसको बार बार करते जा रहे हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम। थर्ड टाइम के बाद काम ही नहीं पड़ेगा, फोर्थ टाइम अपना वो 1.5 डे रिविजन होगा, राइट? या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो 1.5 डे रिवीजन थर्ड टाइम ही हो, बट तब तक आते आते हमें सिर्फ चीजें समझ नहीं आएगी, वो ट्रिकी एम्बिगुअस डिफिकल्ट क्वेश्चन का रिमेम्बरेंस याद रहने लग जाएंगे। मतलब देखा हुआ क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में वो भी कर देंगे। तो ये अगर आपने अप्रोच फॉलो किया तो 100% आपका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं गिरने वाला है, जो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस गिरना, वो आज से संभाला जाता है। उस दिन तो मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं मोटिवेशन के, गेटिंग इट? तो मेरी बात सुनो ना, फर्स्ट टाइम में आपका लिखने का पार्ट ज्यादा होगा, कैलसी का पार्ट कम होगा, समझने का पार्ट ज्यादा होगा, रिमेम्बरेंस का पार्ट कम होगा। उस टाइम ये मत सोचना मैं कैसे याद रखूंगा, तो भाई कौन बोल रहा है आज के आज याद रख, आज अपना बेस्ट देके उसको समझ ले, मगअप मत कर, उसको खोल दे पूरा कि हाँ ये लॉजिकल ऐसे होगा, अज्यूम ये लॉजिकल है, नेक्स्ट स्टेप तो ऐसी ही होनी चाहिए। सेकेंड रिवीजन में सिंस चीजें समझी हुई है, समझने का पार्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि आता है, और रिवाइज करने से रिमेम्बरेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड रिवीजन में लिखने का पार्ट फर्दर कम हो जाएगा, जो बड़े क्वेश्चन है उनको आपको लगे हाँ यार इसकी स्टेप्स में शायद नहीं सोच पा रहा हूं तो लिख के करना, अदरवाइज कैलसी पे करना। किसी भी हाल में ऑडिट अलाउड नहीं है, इधर नोटबुक और कैलकुलेटर, बट यू हैव टू हैव योर आंसर एट योर ओन विदाउट लुकिंग एट द नोटबुक। इफ यू कैन डू सो देन ओनली यू गेट द कॉन्फिडेंस, अदरवाइज आप खुद के साथ ब्लंडर कर रहे हो। मेरी बातें शायद आपको हार्श लगेगी, लेकिन जब मैं बोलता हूं ना वन शॉट सक्सेस, वो वन शॉट अगर अटेम्प्ट को अपने क्लियर करना है तो यही स्ट्रैटेजी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। उसके लिए आपको टेम्परेरी मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने पड़ेंगे जो आपको फॉर द टाइमिंग का सेटिस्फैक्शन देती है, सक्सेस नहीं देती। ऑलराइट, इसके बाद जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नैरो डाउन बता दिया, राइटिंग डाउन बता दिया, और अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरेंस बता दिया। एक पर्टिकुलर चीज ने जिसको मुझे सिग्निफिकेंटली हेल्प किया वो क्या था कि यार हर स्टूडेंट को कुछ टॉपिक लगते हैं जो डिफिकल्ट है, कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं जो डिफिकल्ट है, राइट? तो एक तो ये कि जो भी एम्बिगुअस और ट्रिकी पार्ट है क्वेश्चंस के वो मार्क करते हुए चलना, तो एंड में जब पेजेस टर्न करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो बस ट्रिकी पार्ट पढ़ लेंगे जो अपन ने हाथ से नोट डाल दिया, और ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन रिकलेक्ट। सिमिलरली क्वेश्चन की एम्बिग्विटी मार्क कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ये सब करने के साथ साथ मुझे जो पर्टिकुलरली अच्छा लगा था यार, फॉर एग्जांपल समझो किसी सब्जेक्ट में डेडलाइंस है, जैसे डीटी की ये वाली डेडलाइंस, या फिर पर्टिकुलर कुछ लिमिट्स है, सिमिलरली AFM के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है, सारे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज आपको पता है और मुझे याद ही नहीं रह रहा है, या फिर अभी मैंने वन साइडेड एफर्ट्स नहीं लगाए, बेटर मैं एग्जाम में क्या करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लूंगा, जैसे ब्लैक-स्कोल्स का फॉर्मूला। वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारी डेडलाइंस, वो सारी टाइम लिमिट्स, सारी ऐसी सारी चीजें आप एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखते चले जाओ,
तो आपकी खुद की एक इतनी प्रिसाइज समरी क्रिएट हो जाएगी जो आप एग्जाम डे पे रेफर कर पाओगे। इसमें कैच बताऊं, आप आज लिख रहे हो क्या सोच के कि चलो एग्जाम डे पे याद कर लूंगा, याद हो जाएगी, एक दिन पहले रेफर कर लूंगा, दो घंटे में सब कुछ रेफर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। बेस्ट पार्ट बताऊं, जब आप लिखोगे तभी वो आपको याद हो चुका होगा। जो आप लोगों से मांगते हो ना, सर फॉर्मूला बुक बना के दे दो, फॉर्मूला शीट बना के दे दो, यार ये जो स्पून फीडिंग है ना प्लीज बंद करो, आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, ट्रस्ट मी, आज टाइम है तो कर लो ना, एक फॉर्मूला लिख लेने में आपकी जान थोड़ी ना चली जाएगी। और जब भी रिवाइज है ना, जब भी रिवाइज करो फॉर्मूला शीट बनाते हुए चलो, फर्स्ट रिविजन में मत बनाओ चलो फ्रीडम दिया, क्योंकि याद फर्स्ट रिविजन में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या मुझे याद हो रहा है, सेकेंड रिविजन में बना लेना ताकि थर्ड रिविजन में काम आ जाएगी और एग्जाम के एक दिन पहले काम आ जाएगी। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने वो चीट शीट रिवाइज कर ली, मतलब आप इमेजिन करो वो सारी चीजें जो आप भूल सकते थे वो उस चीट शीट में है, और अगर वो याद हो गया तो फिर तो पूरा सब्जेक्ट ही याद हो गया ना यार भाई, बचा ही क्या है फिर तो। ये सारी चीजें अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर ली तो फिर मेरा आपको कहना है कि 100% आपका रिजल्ट में वो चीजें दिखेगी। ये वीडियो थोड़ा स्ट्रेच हो गया बट मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता था ना, इसलिए आज का आधी घंटा लगेगा बट हर वो चीज मिल रही है जो आपकी एग्जाम की सक्सेस डिसाइड करती है, राइट। लास्ट और बहुत क्विक बोलना चाहूंगा, सर किसी भी हाल में आप रैंडम कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो मत करो, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स को फॉलो कीजिए। कंटेंट क्रिएटर्स को वो लेवल ऑफ डिटेलिंग इनसाइट्स नहीं है जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स को है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेकंड, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है भाई, अपने को 5 महीने चलना है, आज से 4 महीने चलना है। अब 4 महीने अगर सिर्फ पढ़ाई करेंगे ना तो एंड वाला टाइम जो सबसे प्रीशियस होगा उस टाइम तक हम फेड अप हो जाएंगे, जो होने नहीं देना है। तो अपनी खुद की लाइफ में आप अपना एक पार्ट आइडेंटिफाई कर लो, जब आप फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, फैमिली के साथ रहोगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करोगे, अगर उसमें आपको जो करना है वो करो, बट आपको खुद का एक स्पेस ढूंढ लो जो अपने को 1 घंटा रोज करना ही है, मैनेजेबल है, राइट। सर किसी भी हाल में दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन जहां पे मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स के रिवीजन चल रहे हैं, और वो टाइम था जब मुझे लगा था कि अच्छा लेट मी नाउ फाइंड आउट कि ऑडिट और आईडीटी के लिए किसका क्लास लेना है, उनका फर्स्ट रिविजन, और मुझे टीचर ढूंढना था ऑडिट आईडीटी का, हम एग्जाम के 5 महीने पहले खड़े थे, समझ रहे हो किस लेवल के एफर्ट्स, मतलब किस लेवल का डिफरेंस है। उन लोगों को लग गए अटेम्प्ट, हमें नहीं लगा। सबका अपना अपना एक अप्रोच होता है, सबका अपना एक तरीका होता है, डोंट लूज योर सेल्फ। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपने फ्रेंड से कभी बात ही मत करना, बात करना, चीज़ें समझने की कोशिश करना, उस प्रेशर में खुद को कंपेयर करके ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट मत करना, दोनों ही बहुत बुरे हैं यार। ओवर कॉन्फिडेंट भी डुबाएगा और अंडर कॉन्फिडेंट तो होते हुए भी डुबा देगा, समझ रहे हो, नेचुरल कॉन्फिडेंस बेस्ट है, कंपेयर मत करो, जिससे आप खुद का कॉन्फिडेंस डिसाइड करते हो। और लास्ट, बहुत सारे टॉपिक्स आप बाद के लिए छोड़ देते हो, फिर वो बाद के लिए कंपाइलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। आज प्रेशर नहीं है ना तो आज कर ले भाई, बाद में तो टाइम तो उतना ही लगेगा और प्रेशर डबल रहेगा तो बाद में नहीं हो पाएगा। कोई लग रहा है टॉपिक आज कर सकते हो तो उसको प्रेफरेबली आज ही करना है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप अपना अप्रोच रखते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि यार आप 100% कर पाओगे, क्योंकि मेरे को आपके दिमाग इंटेलिजेंस ब्रिलियंस पे डाउट नहीं है, डाउट है मुझे आपके अप्रोच और एफर्ट्स पे। जो हम आज से अगर बरकरार रखेंगे तो आपकी सक्सेस डिसाइडेड है, ऑलराइट। सो यही ऑब्जेक्टिव था और यही मेरी विशेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लिटरली आप इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में बताइए और आपके फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए। सो आई विल सी यू बैक एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। I'll anyways continue to be there for you. All right, bye.